दोस्तों, ये जो स्मोकर आपको नज़र आ रहा है, हम जब भी स्मोकर हमें लाना हो तो हमें क्या चीज़ जहन में रखना चाहिए कि ये जो आप स्मोकर आपको नज़र आ रहा है ये पूरा सीटीएल का है। ये जो बाहर आपको इसकी ग्रिल नज़र आ रही है, ये जो ग्रिल है और ये जो रखने के लिए जो आगे आपको नज़र आ रहा है, ये इजीली हम किसी बक्से के साइड में भी रख सकते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं पूरा सीटीएल का है। ये ग्रिल, ये जो अंदर आपको एक टखन नज़र आ रहा है, ये इसके नीचे तीन लेग्स होते हैं जिससे अंदर जो है जो हवा जो है पास होती है वो इजीली जो हमारा जो स्मोकर है अच्छे से जलता है। तो दोस्तों, ये तो सभी स्मोकर्स होते हैं अच्छे, लेकिन इनमें से अगर आपको अच्छा सा स्मोकर लाना है तो ये चीज़ें आपको जहन में रख देनी है। ये जो ग्रिल होती है स्मोकर, जब हम जलाते हैं तो फिर बाहर से अगर इसको हाथ लग जाए तो हाथ जल जाता है। इससे एक तो ये हम किसी जगह लटका सकते हैं, दूसरा चीज़ है हम इसके साथ अगर हाथ भी लग जाए तो हमारा हाथ जो है जलने से बच जाता है। ये दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपको स्मोकर जलाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। ये भी एक तरीका आपको मैं दिखाऊंगा कि आप स्मोकर इजीली किस तरह से अच्छे से जला सकते हो। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैंने प्लेनर से जो मैं अपने फ्रेम्स बनाता हूँ, जो रंदाई करता हूँ, इसके से जो कचरा बचता है इसी से जो अपना स्मोकर है जलाता हूँ। पहले मैं ये छोटे छोटे जो प्लेन प्लेनर से मैं जो करता हूँ वही डालता हूँ। इसके बाद छोटे छोटे लकड़ी के पीस, इसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है गत्ता में उसके ऊपर डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो स्मोकर, इसके बाद मैं पीछे से तीन चार पंप्स कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि स्मोकर किस तरह से अब हमारा जो है तैयार हो चुका है। ये धुआँ कितना निकाल रहा है। अब आगे आप देख सकते हो किस तरह से स्मोकर जो है स्मोक दे रहा है। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी अग्रेसिव बीहाइव या किसी भी बीहाइव को चेक करना हो तो स्मोक से क्या होता है कि बीज जो है शांत होते हैं, अग्रेसिव नहीं होते। आप देख सकते हो दोस्तों, ये स्मोकर अब किस तरह से स्मोक छोड़ रहा है। जब भी आप स्मोकर ले, अगर आपको अच्छा सा स्मोकर, ये मेरे पास तीन चार साल से स्मोकर जो है चल रहा है। आप देख सकते हो कितनी अच्छा ये स्मोक डाल रहा है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।